मतलब इसका बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी मिलती है डोसे की, और बहुत स्टैंडर्ड से थोड़ी सी आगे जाकर है, और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ का मतलब जैसे ही घूम के आपको वैसा लगेगा। डोसा खाने आपको डोसा खाने के गोलगप्पे टिक्की चाट खाने तो वो खा सकते हैं। यहाँ पर मिर्ची वड़ा भी है, स्प्रिंग रोल भी है, और यदि आप मोमो के शौकीन हैं मोमो खा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं, पनीर टिक्का वगैरह सब खा सकते हैं, यानी कि आपकी टेस्ट का हर सामान यहाँ पर मिलेगा। तो एक आप बार आप जरूर विजिट करें और यहाँ पर जरूर खाएं। दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं हाई ऑन मोमो पे। ये एक चाइनीज़ कॉर्नर है, यहाँ पर चाप मिलती है, मोमो मिलते हैं, स्प्रिंग रोल मिलते हैं, कबाब मिलते हैं, पनीर टिक्का मिलता है और नूडल्स मिलते हैं। तो ये फ्रेंड्स बच्चों का तो ऑल टाइम फेवरेट होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आपका जो भी मूड करे, आपके बच्चे का अलग मूड है, आपका अलग मूड है, आपके हस्बैंड का अलग मूड है, तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर खा सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। इसकी अफगानी मोमो है फ्रेंड्स, यदि आप मोमो के शौकीन हैं तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो तंदूर में हमारे को वेज मोमोज मिल जाते हैं, पनीर मोमोज मिल जाते हैं, चीज़ कॉर्न मोमोज मिल जाते हैं, उसमें हमारे को चाप मिल जाता है, पनीर टिक्का मिल जाता है, पनीर टिक्का में फ्लेवर्स होता है, मलाई टिक्का, फिर आपको स्पाइसी चीज़ स्पाइसी मिल जाए, और मोमोज में भी हमारे पास काफ़ी सारे फ्लेवर रहते हैं। हमारे चाइनीज जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे, और हमारे पास नूडल्स हैं, वेज स्प्रिंग रोल है, चीज़ कॉर्न स्प्रिंग रोल है, काफ़ी करने वाले हैं, और कबाब है हमारे पास। तो आपके पास केवल वेज ही मिलता है या नॉन वेज? जी मैम हमारे पास सिर्फ वेज है, नॉन वेज हमारे पास कुछ नहीं, 100% वेज, 100% वेज, 100% वेज। अच्छा ये ओपन कब होता है? 3:30 के आसपास, 3:30 के बाद, और 7 days। अच्छा ये अगर हम आपको मतलब कैटरिंग लेना चाहें तो आप कैटरिंग भी ले सकते हैं, कैटरिंग कर सकते हैं आप, और आप मोमोज से काफ़ी वैरायटी देते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी देते हैं, काफ़ी सारी वैरायटी। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है सबकी? तंदूरी अफगानी वाला चाय मोमो, काफ़ी सारे चाप हो गए अफगानी मलाई, तो सबसे ज़्यादा जो सेल होता है जो लोग पसंद करते हैं, जैसे मेरा बेटा तो अफगानी चाप कहते हैं आपकी बहुत बार खाता है, रिपीट बहुत करता है, तो ये आपकी स्पेशली। और मिर्ची वड़ा भैया जैसे आपका बहुत टेस्टी होता है, ये कब से कब तक मिलता है? क्योंकि हर समय मिर्ची वड़ा नहीं मिलता है आपके, 3 महीने के लिए। और गोलगप्पे होते हैं आपके यहाँ, चाट होती है, और मोमो ये जो स्प्रिंग रोल होते हैं ये वेज एक ही तरह के होते हैं या अलग अलग? वेज चीज़, तो जो स्प्रिंग रोल होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं, वेज चीज़ होते हैं। आप कैटरिंग भी करते हैं शादी और बर्थडे की, तो आपसे मतलब फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया, यहाँ पर आकर स्क्रीन भी करते हैं शादी और बर्थडे की, तो आपसे मतलब फ़ोन पे कॉन्टैक्ट किया, यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो फिर आप कैटरिंग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप आएंगे तो आपको टिक्की है, गोलगप्पे है, सब बहुत टेस्टी मिलेंगे, और यदि आप यहाँ पर आए तो मिर्ची वड़ा जरूर ट्राई कीजिएगा, वो यहाँ का बहुत ही यूनिक होगा। Thank you.
फर्स्ट का टेस्ट बिल्कुल यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, आप आएंगे तो ज़रूर ट्राई कीजिए मिर्ची बड़ा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं चाट लवर हूँ और मुझे तो यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो टिक्की हो, गोलगप्पे हो, चाट हो या मिर्ची वड़ा हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर डोसा भी मिलता है और डोसे के साथ यहाँ पर इडली और उत्पम भी मिलता है। और डोसा भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस डोसा मिलता है। आप देख ही सकते हैं चीज़ डोसे में कितना चीज़ डालते हैं, और ये बहुत मतलब इसका बहुत अलग अलग तरह की वेराइटी मिलती है डोसे की, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। ये बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है, और आप अगर इसको खाएंगे तो एक आपको नया ही फ्लेवर लगेगा। तो देखिए इसकी अलग सी चटनी है, इसका सांभर भी बहुत टेस्टी है, और बहुत ही ऐसे खट्टा खट्टा सांभर होना चाहिए साउथ इंडिया का वैसे ही।